देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, एक लड़का है रहमान, ही इज मेकिंग अ व्हील, ठीक है, यूजिंग स्पोक्स। तो ये देखो, जब चार स्पोक्स, स्पोक्स क्या होती है, जो लाइनें हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे जो लाइनें हैं, इनको स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है। जब उसने चार स्पोक्स बनाए इस व्हील में, तो सबके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज, ठीक है। अब बच्चों, क्योंकि टोटल तो 360 है कि नहीं, अब जैसे तुम्हारी नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ती हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः स्पोक्स आ गई, तो सबके बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया 60 डिग्रीज। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं, सबके बीच का एंगल कम हो रहा है ना। स्पोक्स 4 से 6 हुए तो एंगल 90 से 60 हो गया। इसका मतलब ये किस चीज़ का केस है बेटा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है, सही। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या लगता है, अगर मैं इसको x मान लूँ, एंगल्स को y मान लूँ, तो ये x1, x2, x3, x4, x5, उसी तरीके से ये y1, y2, y3, y4, y5, हमें पता है x1 into y1 is equal to x2 into y2, ये चीज़ तुम्हारी कांस्टेंट होती है, ठीक। यहाँ से तुम्हें निकालना है, तो सिंपल 4 into 90 is equal to 8 into x कर दो, 4 into 90 is equal to 8 into x, ठीक। यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 into 90 upon 8 कर दो, ठीक है। 4 ones are 4, 4 twos are 8, 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्रीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर तुम्हारे 4 into 90 और स्पोक्स हैं 10, तो 10 into y कर दोगे तुम, है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 into 90 upon 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 9s are 36 degrees, अगर तुम्हारी 10 स्पोक्स है तो सबके बीच का एंगल 36 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे नंबर ऑफ स्पोक्स है 12, 4 into 90 is equal to 12, मैंने नीचे को z मान लिया है, तो 12 into z, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 into 90 upon 12, 4 3s are 12, 3 3s are 9, 0, तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 30 डिग्री ईच, ठीक है। हियर वी देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आगे अगला पार्ट है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स द एंगल फॉर्म्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और जो एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट। तो ये देखो, जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहा है, 4 से 6 हुआ, एंगल तुम्हारा कम हो गया, नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा तो एंगल क्या हुआ, हमारा कम हो गया। तो इस केस को क्या बोला जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ठीक है। तो यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या रहा है क्वेश्चन का, कैलकुलेट एंगल विथ 15 स्पोक्स, ठीक है। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हमने इसको x माना तो ये y हो जाएगा, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो x into y, x1, y1 is equal to x2, y2, और ये सब क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, x into y, 4 into 90 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर 15 स्पोक्स हुई तो एंगल हमने x मान लिया है, तो 15 into x, ठीक है। अब क्या होगा, ये 15 तुम नीचे लेके आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आके डिविजन में हो जाएगा, ठीक। 5 से कर लो तुम, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 8s are 40, और 3 6s are 18, 6 4s are 24। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा 15 स्पोक्स है तो एंगल कितना हो जाएगा, 24 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो 40 डिग्रीज, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्पोक्स। तो मैं नंबर ऑफ स्पोक्स को हम यहाँ पर कितना ले लेते हैं, ए ले लो नंबर ऑफ स्पोक्स को, ठीक है, क्लियर है। तो हमको पता है कि x into y कॉन्स्टेंट है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, 40 into 90 is equal to a into 40, ठीक है, क्लियर, सही। अब देखो क्या होगा, ये तुम्हारा 40 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 से 0 गया, 4 1s are 4, तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो जाएंगे, a is equal to 9, तो यहाँ पे तुम्हारे 9 स्पोक्स हो जाएंगे, क्लियर है। अब आ जाओ उसके क्वेश्चन नंबर 4 पर।